वालेकुम अस्सलाम। क्या बोलते हो भाई? क्या ये देखो कोकोनट का जूस भी रहा हूँ। पैकेट है, चिकन पैकेट है, ठीक है। ये दाल कबाब है, उसके बाद ये चिकन समोसा, समोसा है, कटलेट है, चिकन रोल है। कैसा पैकेट है फल देगा? इधर देखिए कलिंगड़, पपैया, अनानास। कौन सा कैसा भाई? एक टोपी। यहाँ आपको ज्यादा क्राउड दिख रहा होगा क्योंकि ये खाओ गली के फेमस नाजिज भाई की यहाँ दुकान लगी हुई है। आप देख रहे हैं समोसा, ये चिकन समोसा है, चिकन समोसा। कैसा ये? एक है चीज बॉल है। कैसा रही चिकन कांडी? यहाँ आते हैं सबसे पहला। ये पैटीज कैसा है? अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। मेरा नाम है सात और आप देख रहे हैं सात ब्लॉग्स। नेकियों का महीना आ गया है, यानी माह रमज़ान आ गया है। आप सभी को रमज़ान मुबारक हो। जैसे कि हर साल हमारे गांव यानी साकरी नाटे में इफ्तार मार्केट लगता है और हमारे गांव की एक फेमस गली खाओ गली भी है, जो हम आज इस वीडियो में देखने वाले। आज के वीडियो में हम ये हमारे गाँव का इफ्तार मार्केट देखेंगे, हमारे गाँव की खाओ गली देखेंगे और हम कुछ इफ्तारी भी लेंगे। इफ्तारी लेंगे और आप सभी को मैं हमारे गांव साकरी नाटे का इफ्तार मार्केट दिखाऊंगा कि हमारे गांव में कैसा इफ्तार मार्केट है इस साल रमज़ान में और कैसा खाओ गली है। ये सब हम इस वीडियो में देखने वाले। सब मेरे वीडियो में एंड तक बने रहो और मेरे चैनल पे नए हो तो बिना देर के जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दो। आज का वीडियो काफ़ी अच्छा होने वाला है। सो चलो, काफ़ी लेट हो रहा है, हम चलते सीधा गाँव में इफ्तार मार्केट में। चलो चलते। मैं अभी ज़ियाउद्दीन के घर के पास आया हूँ क्योंकि हमारे साथ नीचे इफ्तार मार्केट में ज़ियाउद्दीन भी आ रहा है। सो मैं उसी के घर के पास रुका हूँ, देखते हैं कब आता है। जैसे वो आएगा हम नीचे इफ्तार मार्केट की तरफ बढ़ेंगे। आ गए अभी हम नीचे गांव में। देखिए सो अभी हम जामा मस्जिद के पास आ गए। देखिए हमारे गाँव की सबसे बड़ी मस्जिद जामा मस्जिद, यहाँ से ही अभी हम आगे बढ़ते हैं। जामा मस्जिद से आगे इफ्तार मार्केट यहाँ से लगना शुरू होता है। पहले यहाँ हम अपनी गाड़ी रुका देते हैं। माशाल्लाह मस्जिद एक बहुत प्यारी है। तो यहाँ से अभी हम बढ़ रहे हैं। यहाँ से देखिए मेन शुरू होता है, ये जो आपको सामने दुकान दिख रही है वो एक, और यहाँ हमारे शाबान भाई मिलते हुए। वालेकुम अस्सलाम, क्या बोलते हो भाई? क्या ये देखो कोकोनट का जूस रहा, आम का जूस। देखिए इधर आम का जूस, ये दुकान है, इसी के आप सामने देखोगे तो यहाँ सब बहुत से देखते। चलो क्या सो यहाँ पैटीज, बटाटा भजी, इस भाई के पास भाई सब बहुत खत्म हो गया। बताओ भाई भाई अभी बता रहे भाई क्या है? चिकन कंडी है, इसका रेट 10 रुपए, इसमें गुलाब जामुन है, चिकन पैकेट, ठीक है। ये दाल कबाब है, उसके बाद ये चिकन समोसा 10 रुपये, चिकन। अच्छा ये पैटिस, मोगलाई पैटिस बोलते इसको, साबूदाना। ये मोगलाई पैटिस कैसा है? ये अंडा रोल, ये 5 रुपये, ये अंडा रोल 10 रुपये। उनका नाम है मुश्ताक भाई। हाँ उनका नाम है मुश्ताक भाई, जानते भाई। भी बोलो भाई, मुश्ताक भाई ने अपने ही देख सके, जैसे कि सब बताए अपना। माशाल्लाह बहुत ही हर साल रहते और हर साल इधर ये अपने गांव में या इफ्तार मार्केट जैसे बाजार लगता है पूरा इफ्तारी का, जैसे कि आप देख रहे हो पूरा धुन और रौनक होता है। ये देखिए तब यहाँ सामने आते, इधर भी कुछ हमें आइटम्स देखने, समोसा, कटलेट है, चिकन रोल है, कांडी है। चलिए अंदर भी मैं आपको दिखाता हूँ। इधर क्या क्या मिलता है भाई? इधर बहुत से आइटम्स है,
जो हमारे गांव में कभी ना हुआ करता था वो अब भी आप सब आइटम्स देख रहे हो, यहाँ सब मिलने लग गए जैसे बहुत से नए नए। फालूदा देखिए, फालूदा भी है। कैसा पैकेट है फालूदे का? 10 रुपया। पिज्जा भी है। चलो जाते इधर देखिए, कलिंगड़ पपैया अनानास। कौन सा चैनल है? सात ब्लॉग। चलो ऐसे अभी चलते हम आगे। अभी ये जो आपने देखे मेरे पीछे वो थी इफ्तार मार्केट, अभी हम खाओ गली की तरफ बढ़ते। और यहाँ हमारे लेफ्ट साइड में आप देखोगे शरबत, कैसा गिलास है? 20 रुपये एक गिलास, लेग पीस ये सब। और यहाँ हमारे देखो तहवास भाई हमारे देखने मिलते हैं। ख़त्म हो गया शोरमा? खत्म हो गया ना भाई, ने पूरा शोरमा ही ख़त्म कर दिए, काफ़ी जल्दी ख़त्म हो रहे। हाँ यह जो बंदा देख रहे हो ये मेरा बचपन का दोस्त है भाई, जब इसने शोरमे का भी अपना नीचे ऐसा लगाया हुआ गांव में, जो काफ़ी जल्दी शोरमा ख़त्म हो गया माशाल्लाह, बड़ी अच्छी बात है। चलो अभी हम चलते हैं गली की तरफ। चलो ऐसी अभी हम जल्दी से चलते। सो अभी हम यहाँ से जैसे खाओ गली की तरफ आगे बढ़ रहे थे, तो यहाँ हमारे गाँव के मौलाना सालिम का भाई का जैसे दिया देखे टोपी का, सब लगाए हुए टोपी। कैसा भाई एक टोपी? ये 150 वाले है। ये 150 वाले भाई जल्दी हो रहे ना, वो 100 वाले। 100 वाले देख सकते हो। ये कभी से आपने शुरू यानी करे? मेरा 3 साल से। सो देख सकते हैं अपने गांव में यार टोपी भी अभी मिलने लग गई है यार। शूटिंग सब जैसे गाँव में आते तो यहाँ से टोपी भी ले सकते। चलो आते, चलो ऐसी यहाँ से। ये हमारे गांव के नीचे के मोहल्ले की सबसे पुरानी स्टडी है, दुकान है जैसे आप बोल सकते हो। सो मैं काफ़ी लेट हो चुका हूँ क्योंकि जिया के वजह से, जिया ने बहुत लेट करा है। सो अभी हम वो सामने आपको दिख रही है वो है खाओ गली यहाँ की, जो लगभग शायद बहुत लेट हो गया हमें। चलो सो अभी हम आ गए इस खाओ गली की तरफ। और यहाँ आपको ज़्यादा क्राउड दिख रहा होगा क्योंकि ये खाओ गली के फेमस नाजिश भाई की यहाँ दुकान लगी हुई है, आप देख सकते हो। तो आप दिखा रहे सामने दिखते वो ये नाजिश भाई खाओ गली के फेमस है। चलो इनके इधर क्या क्या आइटम्स है वो देखते हैं अभी हम। तो अभी हम इससे आ जाते हैं, यहाँ शोरमा भी जैसे आप देख सकते हो शोरमा भी है। तो इनके इधर क्या क्या है? ये है समोसा, ये चिकन समोसा है, चिकन समोसा कैसा? ये 20 रुपये 3 है, इसके 3 है। चिकन पीस है, ये कैसा है? 12 रुपये। सो अभी यहाँ से ही हम इस साइड सामने आते हैं, तो यहाँ भी आपको समोसे देखने मिल गए। ये अजी यहाँ देख सकते हैं हमारे बच्चे भी बैठे हुए। ये क्या है? ये क्या है? चीज़ बॉल है। कैसा? 20 के 5। चलो एक 5 दे दे। इधर चाइनीज मिलता है अपना। ये क्या है? ये क्या है? क्रिस्पी। ये चीज़ बॉल दे दो मेरे पास। इधर गाउटी चाइनीज मिलता है, चिल्ली चाइनीज, शेजवान राइस, फ्राइड राइस। इधर ये ऊपर? हाँ ऊपर ऊपर, यहाँ से रास्ता है ना? यहाँ से रास्ता है। तो अब यहाँ से देखोगे गांव में नीचे ये खाओ गली जो है, यहाँ चाइनीज भी मिलता है घर में, ऊपर मिलता है गाउटी चाइनीज। ये हमने यहाँ से चीज़ बॉल ले लिया है। आप फुल लेडाए 50 रुपये, 50 रुपये। यहाँ से अभी हम आते कांडी की तरफ।
कैसा कंडी बोले? 10 रुपया, 4 देना। तो ये रही चिकन कांडी, 10 रुपया एक। सब यहाँ से लेते 4 कांडी। सब यहाँ वहाँ से लेके इस साइड आते और यहाँ ये खाओ गली का एंड होता है, जो इफ्तार मार्केट खाओ गली आप बोल सकते हो, यहाँ उसका एंड होता है, ये लास्ट है। तो यहाँ हम आते हैं सबसे पहला। ये पैटीज कैसा है? 5 रुपया, 2 देना। दिया डालना, काफी जल्दी खत्म हो गया इधर। सो देख लिया आपने हमारे गांव यानी साकरी नाटे की इफ्तार मार्केट और खाओ गली। एक बात बोलूँ तो मैं काफ़ी लेट हो गया, जब मैं यहाँ गया तो आधी से ज़्यादा चीज़ें बहुत सी खत्म हो गई थी, जैसे उस शोरमा टहवास के इधर का शोरमा ख़त्म हो गया था और बहुत सी चीज़ें ख़त्म हो गई थी, क्योंकि यहाँ की जो इफ्तार मार्केट है वो लगती है करीब करीब 3-3.5 बजे से लगती है और 6 बजे तक ख़त्म हो जाती है। जैसे कि 6 बजे से पहले मैं आज 5:30-6 बजे के करीब गया, 6:30 बजे ख़त्म हो गया ये इफ्तार मार्केट, बहुत जल्द ख़त्म होता है। और जैसे गए साल नहीं था वो इस साल है, जैसे ग्रीन कबाब, बहुत कटलेस वगैरह, कितनी सारी चीज़ें हमारे गांव में आई है इफ्तार मार्केट में। माशाल्लाह बहुत देख के अच्छा लग रहा है कि हमारे गांव में इफ्तार मार्केट में एक एक नई नई चीज़ें आ रही है, जो पहले बम्बई में देखने को मिलता था ऐसे कबाब वो सब थे, वो अभी हमारे गाँव में ही मिल रहा है, बहुत अच्छा लग रहा है। माशाल्लाह बहुत नूर और रौनक आ जाती है रमज़ान में हमारे गाँव में, जैसे कि आपने देखे। इंशाल्लाह मैं अभी बहुत जल्द एक बार फिर से जाऊँगा गाँव में और कोशिश करूँगा कि मैं जल्दी जाऊँ और आपको पूरा अच्छे से और दिखा सकूँ अच्छे से और क्या क्या चीज़ें जो हमें को इस वीडियो में देखने नहीं मिली, इंशाल्लाह अगले वीडियो में हम कवर करेंगे ज़रूर। सो ये वीडियो आपको कैसा लगा हमारे गांव के इफ्तार मार्केट और खाओ गली का? आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो, मज़ा आई हो। अगर अच्छा लगा है तो क्या करना है आपको पता ही है, मेरे वीडियो को लाइक करो, शेयर करो और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करो। मिलेंगे बहुत जल्द एक और अच्छे ब्लॉग के साथ, जब तक के लिए बाय।